वो तो कपड़ा पहनने पे विश्वास नहीं करते, तो अपनी बहन बेटियों को उतार देते हैं सड़कों पे, क्या दिक्कत है। अच्छा बदबू खलीफा, हमको ये बताओ कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे साबुनदानी में बैगन लेने का भावना कब आया, जरा बताना। 2014 के बाद वो भावना आई, ठीक काहे 2014 से पहले भावना नहीं थी क्या? नहीं सच्चाई, 2014 से पहले मुझे नहीं लगता इतना उग्र सन किसी में होगा, ये भावना किसी में होगी। दिक्कत है सर, आप उनको इस तरह समर्थन नहीं कर सकते। एक टाइम था जब हम बॉलीवुड का समर्थन करते थे, आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसी चीजें होंगी तो हम समर्थन करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि यात्रीगण कृपया ध्यान। देखिए मैं पर्सनली किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, अभी पता चले तो हम लॉरेंस का समर्थन क्यों ना करें सर। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा बदू पांडे, हमको ये बता दो कि जिस दिन तुम्हारा शादी हो जाएगा उस दिन क्या होगा? देश का पूरा कचड़ा साफ हो जाएगा। सही है बात कर रही है भाई साहब, देश का पूरा कचड़ा साफ हो जाएगा। बदबू खलीफा, हमको जरा ये बता दो जिसे तुम्हारी शादी होगी वो जो लेके जाएगा उन्होंने कितना बड़ा काम किया है? उसने देश का कचरा ही साफ किया है ना। लोग समझते ये आजकल के जीवाओं की आवाज है, हकीकत में ये बॉलीवुड में भयंकर लौंडी आवाज है। तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीबी के साथ ऐसा काम किया है? घचार, घचार, घचार। जो तुम ये बात बोल रहे हो सलमान खान को, हकीकत में ये बॉलीवुड में भयंकर लौंडी आवाज है। तो वो मुसलमान यहाँ रह गए और वही मुसलमान आज हमारे माथे पे ऐसे बैठे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ कोई बैठा हुआ तुम्हारे माथे पर? वही मुसलमान आज हमारे माथे पे ऐसे बैठे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बदबू पांडे के माथे पे कोई बैठा हुआ है? नहीं। तो हमको भी नहीं दिखाई दे रहा, पता ना बदबू पांडे साबुनदानी में किसका ले लिए कि उसके बाधे पर जो है ना मुसलमान बैठा। वही मुसलमान आज हमारे माथे पे ऐसे बैठे हैं। बात बताओ बदबू पांडे, कि दिन रात मुसलमान मुसलमान करती रहती हो, तुमको मुसलमान का ही क्यों पसंद है? और हिंदू क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते। अच्छा। अच्छा बदबू खलीफा, हमको ये बताओ कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे साबुनदानी में बैगन लेने का भावना कब आया, जरा बताना। 2014 के बाद वो भावना आई, ठीक। 2014 से पहले भावना नहीं थी क्या? नहीं सच्चाई, 2014 से पहले मुझे नहीं लगता इतना उग्र सन किसी में होगा, ये भावना किसी में होगी। अब वैसे तो भड़काऊ बयान देती रहती हैं, रहने दे रहे का क्या मतलब है, वो किरायेदार थोड़ी है मुसलमान इस देश के। तो आप क्या मानते हैं सर? आप देख तू, भावनाएं आहत होती हैं जब आप लोग बोलते हैं कि उनको रहने दिया जा रहा है, हम यहाँ उनको ऐसा फील होता है कि हम किरायेदार हैं भाई। सर क्यों ना अब जाके उनको फील हो रहा है क्या? आज हम कह रहे हैं, कल को कौन कहता था सर? सर क्यों ना अब जाके उनको फील हो रहा है क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी बहुत परेशान करके सबको रख दिया भाई साहब, बहुत परेशान करके बदबू पांडे। आज इसका पूरा भूत चुरा देंगे भाई साहब, थोड़ा सा और दे देते हो। मेरे मोबाइल के ऊपर काला हिरन हमेशा लगा रहता है, देखो हेरा, ये काला हिरण जो है भगवान विष्णु का अवतार है, शिकार करने के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है। वाह रे भाई वाह, नहीं सुने भाई साहब आप लोग ये क्या कह रहा है, शिकार करने के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है। ये कह रहा है कि ब्राह्मण जो है वो काले हिरण का शिकार कर सकता है, जरा एक बार सुन लीजिए, शिकार करने के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है। तो बदबू पांडे इसमें ये कह रहा है कि हिरण का शिकार जो है वो ब्राह्मण कर सकता है, के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है। सलमान खान ने हिरण का शिकार किया कि नहीं किया वो किसी को पता नहीं है, कोर्ट में उसका केस रफा दफा भी हो गया, इसका साबुनदानी में मटिया तेल डालो ये भी चिल्ला रही है। सलमान खान ने गलती की, ये बात सच्चाई है, तो मुझे लगता है उनके फैंस को भी ये बात को समझनी चाहिए, के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है। तो बदबू पांडे इस पे क्या कहना चाहोगे, जो बोल रहा है कि ब्राह्मण हिरण का शिकार कर सकता है काले हिरण का, तो फिर जो जिसका कर्तव्य करने दीजिए सर, ये भारत है, ये संस्कार संस्कृति परंपरा का देश है, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साबुनदानी में मटिया तेल डालो, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, अंधभक्त की झांट। अच्छा बदबू पांडे, हमको ये बता दो कि तुम अपने अब्दुल से तुम कितना प्यार करती हो, जरा बता देना। अपने छाती से लगा के अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती, ऐसा वाला प्यार तुमको नहीं करना चाहिए यार।
सबको बता कह दियो अगर ऐसा वाला प्यार करती हो तो। अच्छा बात नहीं है। खैर ये भी बता दो, तुम जो इतना अब्दुल से प्यार करती हो, मान लो कि तुम्हारे अब्दुल को किसी ने दूसरा पटा लिया, तब क्या करोगी उस लड़की के साथ? उसका वही अंजाम होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। अच्छा। खुशबू जी, आप बार बार कचड़ा साफ करने का जिक्र कर रही हैं। सलमान खान आपको कचड़ा लगते हैं? सुन रहे भाई साहब, सलमान खान को नहीं कचड़ा बोल रही है, सलमान खान इनको कचड़ा लगते हैं। ए नारियल की शक्ल के तेरी फेंक, मुंह देखो इतना सा, बाल देखो इसकी फेंक, इससे बड़े बड़े तो फेंक के हमारे झाटे। होगा मैं कहूंगा कि सलमान खान को भी बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। लॉरेंस बिश्नोई ना जिंदा शेर है, समझा? समझे? हम समझ गए, तुम जब ये बात बोले थे ना तभी हम समझ गए। होगा मैं कहूंगा कि सलमान खान को भी बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे। भाई साहब यही लोग को जो है ना एक चम्मच का असर है, ये देखिए एक चम्मच गोबर। मैं कहूंगा कि सलमान खान को भी बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे। ऐसा भी जो बोल रहा था कि सलमान खान को कोई नहीं जानता है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, बच्चा बच्चा से पूछ लेते हैं कि सलमान खान को कौन जानता है और लॉरेंस बिश्नोई को कौन जानता है। तो जरा पूछ लेते हैं, बाबू सलमान खान को जानते हो? हाँ जानते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो? लॉरेंस बिश्नोई को ये कौन है? अभी ये उसे पूछ लेते हैं, सलमान खान को जानते हो? हाँ जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को? अल्लाह जाने। सलमान खान को जानते हो? हाँ जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को? नहीं जानते। नहीं जानते, तो बाकी आप अनुमान लगा लीजिए। बताइए, ये शिकार करते हैं, ये किंग खान बने हैं बॉलीवुड के, ये शिकारी बने हैं। जब इतने बड़े शिकारी हो तुम तो घर में कहां घुस गए? बाहर निकलो। तुम तो दो भाई हैं, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई, इन्हें भी रातों रात मशहूर होने का शौक है। हालांकि यहां सलमान खान की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अब तक लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी धमकी पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और वो असल में इस गैंगस्टर का नाम लेकर उसे वो लोकप्रियता नहीं देना चाहते जिसके लिए ये गैंगस्टर और इसका दूसरा जो भाई है ये लोग लगातार सब कुछ कर रहे हैं कि सलमान खान एक बार हमारा नाम अपने मुंह से ले ले। एक बार सलमान खान कहीं हमारा नाम ले दे तब ये मशहूर हो जाएंगे रातों रात, यही शायद इनकी इच्छा है। लेकिन सलमान खान ने अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं की है, और बड़ी बात है ना ही इनकी धमकियों से डरकर सलमान खान घर पर बैठे, वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार शूटिंग पर जा रहे हैं, जहां उन्हें जाना होता है, जो काम करना होता है वो कर रहे हैं। सलमान खान इन धमकियों से बिल्कुल भी डरे नहीं है। मैंने आज राधाष्टमी है, हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव, और मैंने राधा रानी के साथ खूब सारी होली खेली। आप सभी को भी वृंदावन की ओर से श्री राम। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। तो भाई साहब वीडियो करता हूँ यहीं पर समाप्त। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो जोर जबरदस्ती तो नहीं करता हूँ भाई साहब, बाकी आगे आपकी मर्जी है, कर दीजिएगा तो मोटिवेट मिलता रहेगा। और अनुभक्त और बदबू पांडे सब कर लेता रहूँगा, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक टाटा बाय बाय।